नमस्कार, आप देख रहे हैं रायबली समाचार। पुरानी पेंशन एनपीएस ओपीएस इसकी लड़ाई जो है, ये कई विभाग के कर्मचारी आज पूरा ये संगठन जो है आज जीआईसी मैदान में बाइक रैली, हजारों की संख्या में बाइक रैली यहां पे आज निकालने जा रहे हैं। और यहीं पर पूरे प्रदेश के और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग यहां पर मौजूद, जिसमें जिले के सभी विभाग के कर्मचारी, जिसमें शिक्षा विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, या अन्य सफाई कर्मचारी विभाग हो, या और भी जितने सरकारी विभाग के कर्मचारी, सभी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। और अब ओपीएस की मांग कर रहे हैं, क्या समस्या आ रही है, एनपीएस में क्या दिक्कत हो गई। पहले एनपीएस के विरोध हुआ, फिर यूपीएस का विरोध हुआ, क्या कारण है, परिचय दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है और हम सारे लोग उत्तर प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के साथ मिल करके पूरे देश में तकरीबन 10 साल से पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन चला रहे हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम बदलते रहते हैं, ऐसे एनपीएस का नाम बदल के वो यूपीएस हो गया। अभी जो हमारी जो डिमांड है उसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हमारी केवल ओपीएस के नाम पर दो मांगे हैं। पहली ये, हमारे वाले अंशदान पर जीपीएफ वाली सुविधा, नाम उसका चाहे मोदी पेंशन फंड रख ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, 20 साल की नौकरी पर 50% जो पहले पेंशन की गारंटी थी वो मिल जाए। अब सरकार ने यूपीएस तो दे दिया, 50% की गारंटी भी दे दी, लेकिन 20 साल की जगह 25 साल कर दिया। तो पहली हमारी खिलाफत ये है कि उसको 25 की जगह 20 किया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि पेंशन देने, पेंशन उसको रुकवा दो। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पेंशन देने के नाम पर, पेंशन की गारंटी देने के नाम पर कर्मचारी वाला अंशदान भी सरकार ले लेगी, तो ये हड़प नीति नहीं चलेगी। तो इसी वजह आगे निकलिए, पहले एनपीएस का इसका क्या कारण, उसमें क्या दिक्कत। मैं यही तो बता रहा हूँ, यूपीएस का विरोध केवल दो कारणों से है। पहला, उन्होंने 20 साल की जगह 25 साल कर दिया, इससे हमारे तमाम खास करके एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के कैंडिडेट वो पूरी नौकरी से, सेवा से, शर्तों से ही बाहर हो जाएंगे, उन्हें पेंशन कभी मिल नहीं। इससे पहले भी जो सरकारें थी, यानी मान लीजिए प्रेजेंट टाइम जो सरकार चल रही है, उनके पहले की जो सरकारें थी उन लोगों ने कभी को नहीं किया। ये आप मानते कि नहीं मानते कि इस सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस को एक थोड़ा सा, देखिए इस मामले में अगर एक पार्टी सांपनाथ है तो दूसरी पार्टी नागनाथ है। आप ये समझिए, 2003 में अटल जी की सरकार एनपीएस लाई थी, लेकिन जब एक्ट बनाया गया 2013 में, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। तो एक नागनाथ है और दूसरी सांपनाथ है, दोनों का कम रोल नहीं है। और दोनों ही अभी कांग्रेस ने वादा किया लेकिन मैनिफेस्टो में नहीं रखा, हर जगह मंच पे जा जा के बोलती है। इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारी डिमांड सरकार से है, हमारी लड़ाई सरकार से है, हम सरकार से बातचीत करेंगे, सरकार से लड़ेंगे और सरकार से पेंशन लेंगे। सरकार में कौन सी पार्टी आती है जनता तय करती है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। हम सरकार का हिस्सा है, सरकार का पार्ट है, हम 30 साल 32 साल के लिए आते हैं, वो 5 साल के लिए आते हैं, सीधी सी बात है। ये देखिए, इसी बीच हमारे साथ जो है, देखिए कि ये सफाई कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या नाम है आपका? बसंतलाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। क्या कहना चाहेंगे? ये पुरानी पेंशन की लड़ाई जो है बहुत समय से चल रही है, आज ये कार्यक्रम जो है समस्त प्रदेशों के जनपदों में किया जा रहा है। इस मोर्चे के माध्यम से 17 नवंबर को भारी संख्या में दिल्ली में कर्मचारी पहुंचेगा। ये थे कर्मचारी, उधर यार, आप ये देख रहे हैं कि विशाल रैली जो है विभिन्न विभागों के बैनर आप देख सकते हैं। ये पूरा आज ये पूरे शहर में भ्रमण करेंगे और इसमें देखिए हजारों की संख्या में ये बाइक रैलियां दिख रही है। आप ये देख रहे हैं बाइक रैली, इसमें सभी विभाग के कर्मचारी आज ओपीएस की मांग कर रहे हैं और ये बाइक रैली निकाल कर ओपीएस जिंदाबाद के नारे, एनपीएस गो बैक, यूपीएस गो बैक के नारे, बाइक रैली, हजारों की संख्या में ये बाइक है। ये देखिए जीआईसी मैदान से जाते हुए
ओपीएस की मांग करते हुए एक विशाल बाइक रैली आप देख रहे हैं जा रही है जीआईसी मैदान से। इसमें हजारों संख्या में बाइक रैली जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रावली समाचार।